अगर तुम हर मिनट हर घड़ी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसको शायद तुम्हारा दिल तोड़ने में, तुम्हें इग्नोर करने में या तुम्हें झूठा साबित करने में मजा आता है, तो अभी इसी वक्त अपने आप से दो प्रश्न पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में इतना सोचने का टाइम आया कहां से तुम्हारे पास, और दूसरा ये कि अब से तुम इस टाइम का क्या करने वाले हो। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा और दूसरे का तुम अपने अंदर ढूंढोगे। कहां से आया तुम्हारे पास उसको इतना सोचने का टाइम? तुमने लगभग सब जगह का टाइम मार दिया सिर्फ उस एक इंसान के लिए। अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले वाला दोस्त नहीं मानते क्योंकि तुमने अपने इतने सारे दोस्तों का टाइम भी उसको दे दिया है। अब तुम अपने शरीर पर ध्यान भी नहीं देते क्योंकि वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया है। ना तुम समय पर नहाते हो, ना समय पर खाते हो, ना डेली एक्सरसाइज करते हो, ना जिम जाते हो, ना टाइम पर सोते हो, ना कोई ख्वाब भी रोते हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुमने उस इंसान के लिए अपना और खुद का टाइम मार दिया जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे बारे में कि अभी ये गुमसुम क्यों है जब किसकी कोई अभी एग्जाम भी नहीं है। सोच सोच के थक गई है वो क्योंकि तुमने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है। माँ से बात करने का टाइम भी मार दिया तुमने। तुमने बहुत सपने देखे थे कि लाइफ में ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुमने वो सपने भी मार दिए क्योंकि जिस टाइम में तुम सपने देखा करते थे वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया। तुम पहले कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते थे लेकिन अब सिर्फ सैड सॉन्ग सुनकर रोते रहते हो, रोते रहते हो। तुमने अपने मूड को खुश करने वाली कॉमेडी मूवीज को देखने का टाइम भी उसको दे दिया। तुमने अपना, अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप का पूरा टाइम उसी एक इंसान को दे दिया जो तेरे बारे में शायद सुनना भी ना पसंद करता हो। क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री? क्यों नहीं दिखी तुझे अपने आप में खुशी? अरे समंदर में बहुत सारे पत्थर है, तुम सिर्फ एक के लिए क्यों रुक गए? तेरा सपना तो नाम कमाना था ना, तेरा सपना तो लग्जरी लाइफ जीने का था ना। क्या तू उस एक इंसान के लिए अपने माँ बाप की आंखों की चमक को बुझा सकता है जिन्होंने अब तक कितना सबर बांध के रखा कि तू उनका नाम रोशन करेगा, उनको दुनिया घुमाएगा? क्या तू उस एक इंसान के लिए तेरी लाइफ में आने वाले लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए धोखे के अंधेरे में रख सकता है? स्टॉप इट यार, मत कर ऐसा। तू इन सबके लिए नहीं बना है। तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तेरा सपना और मंजिल है, उस पर ये लड़का लड़की के गुटरगु वाला चश्मा मत लगा। तेरा नसीब अच्छा है कि वो तेरी लाइफ में नहीं है क्योंकि ऊपर वाला तुझे उससे भी बहुत बड़ा और अच्छा देने की सोच के रखा है। और फिर एक दिन जब तू जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर नीचे उतरेगा ना, तब भीड़ में से सबसे पहले जो लोग तेरा वेलकम करने के लिए आगे आएंगे वो तेरे माँ बाप होंगे, फिर तेरे दोस्त होंगे, तेरे भाई बहन होंगे, तेरा परिवार होगा। थोड़ी दूर और भीड़ में चलेगा तो तू पाएगा कि वहां पर तेरे साथ काम करने वाले इंसान होंगे, वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरे किताबों और कॉपियां देने की वजह से आज सफल हो गए। और आगे चलेगा तो तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने तेरी सफर में बहुत मदद करी होगी, तू उन सबके सामने झुककर उनका शुक्रिया करना। और आगे चलेगा तो फिर अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी, उसी भीड़ में कहीं थोड़ा सा आगे जाकर वो इंसान मिलेगा जिसको तुम कभी पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर, नालायक बताकर ठुकरा दिया था, जिसके तुम्हारी जिंदगी से जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुमने बात करने के लिए, देखने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी, रिक्वेस्ट करी थी, वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नजरें नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का बहुत भयंकर एहसास होगा क्योंकि उसने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती करी थी। तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था उसने, तुम्हें बेवजह आवारा समझा था जबकि तुम वैसे बिल्कुल नहीं थे, तुम सच्चे थे पर उसकी आंखों पे घमंड की पट्टी बंधी थी। वो इंसान तो भीड़ में बहुत रो रहा होगा लेकिन तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको माफ कर देना और बोलना कि थैंक्स यार, अगर उस दिन तूने मेरा दिल ना तोड़ा होता ना तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इसी भीड़ में खड़ा होता, आज जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर कोई और नीचे उतर रहा होता। और फिर तुम अपने उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया, अच्छा हुआ जो मैंने दुनिया की बजाय अपने आप को ढूंढ लिया, अच्छा हुआ जो मैंने फ्री रहना बंद कर दिया, अच्छा हुआ जो मेहनत करना शुरू कर दिया, और अच्छा हुआ कि मैं भी बदल गया। क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो तुम्हारे जाने के बाद ही तुम इस दुनिया से खत्म हो जाते। तुम्हें बदलाव की सख्त जरूरत थी, तुम्हें उसे भूलने की सख्त जरूरत थी। पहले क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही था,
दूसरे प्रश्न का जवाब अब तुम्हें अपने अंदर ढूंढना है कि अब तुम उस इंसान को भूलने के बाद उस टाइम में क्या करोगे जिसमें उसको याद किया करते थे। याद रखना, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हारी जीत फिक्स है, तुम्हें करना ही होगा। तुम ऐसे किसी को सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को पूरी दुनिया से ऊपर रखना है। तुम कर लोगे। तुम लकी थे कि तुम्हें वो दर्द और एहसास मिला जो तुम्हें रॉकेट की तरह उड़ने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।